अरे जान जानी है जाएगी एक दिन। अच्छा एक काम वाले साथ साथ नहीं, सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, सोशल मीडिया का कमाल। चलो तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे ही सलूट देते रहे हैं तुम्हें। इतनी मेहनत मत करो, दिल हमारा बिल्कुल पिघल जाए। कहाँ से इतने बजे आ रहे हो? दोपहर में भी लगाते हो? दो बजे। अरे वाह यार, खाना वाना खाया? हाँ। पक्का बिस्किट दिला दे? खा के आया। थैंक यू सो मच। चलो चलो जी हाँ बहन और भाइयों, ये हैं हमारे असली हीरो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ मोहन प्यारे, आओ इधर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। बहुत कम टाइम के लिए अभी आया हूँ मैं ऑनलाइन। हम लोग अभी तिराहे पे थे, जमुई तिराहे पे, वहाँ से निकल कर आप असली लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग गेयर में इस तक कुछ काम से ही जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो आप लोग? आइए थोड़ा बातें करिए चार। लॉकडाउन की स्थिति सीधी जिले की आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से सफल है पूरा। और यही आपसे अनुरोध है, अपेक्षा है कि अपने अपने घरों में रहिए। और ये जो भी हैं बाबा ससुर या इस तरह के जो भी रिश्तेदार भर्ती हैं अस्पतालों में, एक लॉकडाउन में जो छूट मिलती है सब्जी भाजी लेने की, उस टाइम पे आप दोनों काम कर सकते हैं। बहुत लंबा टाइम मिलता है, लंबा पीरियड मिलता है। और मैंने देखा है लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जागरूकता की कमी है कहीं ना कहीं जिनमें, वही ये करते हैं। आपसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप गांव में हैं गांव में ही रहिए। सीधी ज़िले में लगभग अगर मैं कहूँ तो 80% तक लोग अपने घरों में आप मुझे देख रहे हैं। तो आपसे यही अनुरोध है विनम्र कि आप अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलने का प्रयास ना करिए। बहुत आवश्यक हो तभी प्रयास करिए। इसको खाना देना है यहीं पे। क्यों कहाँ गया वो? वो पगला कहाँ गया? कहाँ? अंदर है इधर। तुम जाके दे आओ उसको, वहाँ छाया में लगा लो, छाया में लगा लो, छाया में। उसको बुलवाओ, बुलवाओ उसको, आवाज दो। इधर इसको दे दो, ये दे देगा ना। कहाँ है वो? बुलवाओ ना, बुलाओ ना उसको। अरे वो बैठा है यार, दे दो यहीं से बुला के। वो बैठा है वहाँ, बैठा है वहाँ। आओ अपना जाना। चलें दोस्त मेरे महबूब। इनको लो गियर में, ले लो। कहाँ से आ रहे हैं भैया? आओ भैया, सबको ले लो, सबको ले लो। ये मोटरसाइकिल वाला जरूरी है। ओए ये इस तरह की हरकतें ना करें मोटरसाइकिल लेकर के, नहीं तो विधिवत तोड़े जाएंगे आप। सर यही यही घर। क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? सर थोड़ा सा मैं गया था, थोड़ा सा। हम तुम्हें ये बताओ, दुनिया के काम ना करे तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। मेडिसिन देने गया था सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने ऐसी पहली बार निकला हूँ आज सर। क्यों निकले हो भैया आज? के नहीं निकलना था, कौन सी ऐसी मेडिसिन आ गई? सॉरी सर, अरे वो सर एक सयानी औरत है, उनके सर में बहुत पेन था इसलिए मैं। हाँ तो चलो जाओ, चले जाओ, झूठ बोल रहे हो तो। नहीं सर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये मेरा घर है यहीं पे। पक्का झूठ? गाड़ी नहीं नहीं हो गया, जाओ। मेरे पिताजी सर शिक्षक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कसम से। अरे शिक्षक ही झूठ बोल देते हैं यार, अब क्या बताएं। कहाँ घूम रहा भाई? घूमा काम ही नहीं। हॉस्पिटल हेलमेट लगा लिया करो यार, गर्मी है। हम ना जा हेलमेट लगा लेकर ही, बहुत गर्मी है। अरे हम मजबूरी में ये गाड़ी ले है ना, ये कहो के खातिर नहीं हम ले आई थी। अब सवेरे फोन लगा कर रहे तो व्यस्त रहा, फोन ही नहीं उठा रहा। बहुत व्यस्त रहा था यार। आ गया यादों का मौसम, आ गया तुमने दी आवाज लोना, माँ तुझे सलाम बंदे। पैकेट नगर पालिका में रखा है, हो गया। मिले आया था, फोन नहीं उठाए। ले आया फिर मैं वहां से, ले आया, पहुंचा दिया।
हालांकि 5 पैकेट रखवा दिया हूं मैं नगर पालिका में। ठीक है, पीछे साइड वाले बटवा देना है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक सफर है सुहाना। ये दो लड़के जा रहे हैं ना, इनको ले 11 में। जान जानी है जाएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना। चले सीधे, किसी को छोड़ना लेना तो नहीं है। यहाँ छोड़, यहाँ रखा है। अरे मार डाले तुम यार बहुत, आज पहली बार तो टाइम से छूटे। सोच रहा हूँ 2-3 घंटे आराम कर लेता, अपन 5 बजे आते इससे पहले कि कोई नया कुछ आ जाए। हाँ चलिए, तब तक उषा ठाकुर जी थैंक यू, ट्विंकल जी थैंक यू, प्रमोद पांडे लोक एयर में थैंक यू, देव पांडे जी गुड आफ्टरनून कैसे हो आप, इंद्रेश कुमार गुड वर्क थैंक यू, आर रतन सिंह रिंकू जी, संजीव कुशवाहा जी, अमृत लालवानी, जितेंद्र तिवारी सर आप मुझे भी नाइस थैंक यू आनंद जी। जल्दी आओ यार, जल्दी आओ, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। लोग बोलते हैं कि बिना गलती के मारने लगते हैं आप लोग, सर सुनते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि बिना गलती, इसीलिए पीके कुशवाहा जी मैं इसीलिए लाइव चलाता हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए और बताइए कि हमने किसे बिना गलती के मारा है। गलतियाँ लोग बहुत करते हैं, एक तो मैं मारता नहीं हूँ, फिर भी मारने लायक काम लोग खूब करते हैं। आप हमारी वीडियोज पिछली देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है विष्णु कुमार जी, आपने मेरी डीपी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बस उसके अंदर और तस्वीरें मेरी मत लगा देना। ये क्या था लोकेन? रास्ता बंद है दर्शकों, रास्ता बंद है इसलिए हम लोग इस साइड से आए हैं। और रीमा शर्मा जी मेरा नंबर वही है जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर काम हो तो आप लगा सकते हैं पर्सनल बात करने के लिए। 8 से 9 का टाइम मुकर्रर है, जो ऑनलाइन रहता है उस पर आप बात कर सकते हैं। और रोशन जायसवाल जी आपने डीपी लगाई, थैंक यू। विनोद सिंह चौहान, इसको बोलते हैं लॉकडाउन। बहुत ही शानदार तरीके से घरों का नज़ारा देख सकते हैं, जो लोग ये सामने से आ रहे हैं ये सब अस्पताल वाले हैं। हाँ क्या हो रहा सर? अच्छा बहुत बढ़िया, बस चल रहा है वहीं, बस ख़त्म करके आ रहे हैं हम लोग। हाँ सब खाना वाना सबका बंटवा दिया, सारा सामान वामान सब हो गया है क्या? हाँ हाँ, तो पोहा मिल रहा ना उन्हें, 54 लोगों को पोहा मिल रहा है और 59 को कल लो पूरा दिलवा दिए, 90 का है आज, तो शाम को जाएंगे उनको भी सारा सामान मिल गया लगभग। कुछ लोगों को ब्रशेस चाहिए तो ब्रशेस दिला देंगे, क्या दिक्कत। हाँ यही तो सब बोलते हैं, क्या किया जाए, सब चीज़ें अपने हाथ में थोड़ी होती हैं। जितनी चीज़ें हाथ में हैं उतने पे भी अपन अच्छे से काम करें तो चीज़ें निश्चित रूप से बेहतर हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बचपन से ना 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 ना, टैलेंटेड तो भैया अपन बचपन से हैं, बस कभी घमंड नहीं किया। चलिए दोस्तों कुछ देर से मिलते हैं, घर पहुंच मार्ग पे हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। 5 बजे तक आप कोई भी काम जो भी हो आपके निपटा लीजिए, 5 बजे मैं प्रयास करूंगा पूरा कि 5 बजे, 5:30, 5:30 के बीच में मैं फिर से लाइव आऊं और आपको कुछ नया नया सा दिखाऊं। तो प्लीज़ तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अलविदा। हारेगा कोरोना जीतेंगे हम, और इस जंग में बस सेमीफाइनल हो चुका है, फाइनल बकाया है। दोस्तों लगे रहिए
और जुटे रहिए अभियान में। जय हिंद, जय भारत।